हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। गाइस, आज काफ़ी दिन बाद व्लॉग आ रहा है, काफ़ी दिन बाद, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं बहुत ही शानदार जगह, बहुत ही अच्छी नेचर से भरी जगह, क्योंकि हम आ गए हैं दिल्ली की असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आ चुका हूँ और अभी आए हैं हम, ऑटो से उतरे हैं। हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन था तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ऑटो मिल गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ब्लॉग में, होप करते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अंदर क्या क्या हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। टिल देन ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। दिस इज एंट्रेंस। नमस्ते, ये है एंट्रेंस। हमने एंट्री ले ली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब हम थोड़े डायरेक्शंस लेते हैं इन लोगों से। तो गाइस, सबसे पहले हम जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क। दिस इज़ बटरफ्लाई पार्क और हम ये घूमेंगे। उससे पहले हमें लगी थी भूख, तो हमने ले लिए हैं ब्रेड पकौड़ा जो कि है 15 रुपये का। पीछे देखिए, ये पार्किंग एरिया है यहाँ का, ये आपको दिख रहा होगा। तो थोड़े बटरफ्लाई पार्क्स के आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे। Guys, we found one, कहाँ है वो? Reptile, कहाँ है भैया? आगे आगे चलिए। ये सच में काट लेती है और ये सांप को खाती है। दे वो रही, वो रही, वो रही, वो रही। आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं सर? देखिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे अपने इस ब्लॉग में कि जहाँ भी आपको गंदगी दिखे तो वहाँ साफ सफाई जरूर करें। हालांकि ये गंदगी नहीं है, ये पेड़ पौधे ही हैं, परंतु ये रास्ते में आ रहे थे तो मैंने सोचा हटा दें। हो गया आपका ड्रामा खत्म, बंद कैमरा। गाइस, कॉमन बटरफ्लाइज ऑफ असोला। इस बटरफ्लाई पार्क में शायद ये बटरफ्लाइज की प्रजातियां हैं। गाइस, फिलहाल हम हैं बटरफ्लाई पार्क में। सच में बटरफ्लाई दिखी हमने तो काफी ज्यादा, कभी दिखी है भाई? देखो, उड़ रही है बटरफ्लाई और यहाँ तरह तरह की बटरफ्लाईज आपको दिख जाएंगी। और ये है बैम्बूज का पार्क। वाओ, ये बैम्बूज है। पता है, धूप बहुत तेज है बट लग नहीं रही है क्योंकि हम इतने ज़्यादा ग्रीन एरिया में हैं। बहुत भयंकर, वाओ। हम लोग बटरफ्लाई पार्क से एग्जिट ले रहे हैं। अरे, हम उधर गए थे, उधर नहीं गए, अरावली हम गए। अरे यार, अभी हम लोग चढ़ जाएंगे। तो हम लोग इन लूलुओं की वजह से हम लोग बटरफ्लाई पार्क से एंट्री ले चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं एग्जिट ले चुके हैं। तो ये लोग कह रहे हैं हम साइकिल चलाने का मन है, तो वी आर प्लानिंग। पता नहीं यहाँ मिलता भी है, मिलेगा नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। ये है साइकिल, नहीं मिल पाएगा शिवम, जंग लगा हुआ है, नहीं मिलेगा भाई। सस्ता नहीं, अच्छा खाएं। दादी अम्मा के हाथों से निर्मित भागीरथी का शुद्ध अचार खाएं। तो गाइज, हम अरावली पार्क में भी घूम लिए हैं और उससे एक जो मेन सेंचुरी है उसमें आ गए हैं हम। थोड़ा यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धूप है और देखिए ऐसा सीन है कुछ। धूप धूप है, पेड़ है, हवा है,
वो उधर कोई बैठा है शायद स्नेहा। ये जगह बहुत ही प्यारी है वैसे सच बताना। वाओ ये देखो कितना प्यारा है। हमारे डरपोक दोस्त नहीं आए। पर अंदर देखिए जो हम गुजारिश करना चाहते हैं लोगों से, अगर खा पी रहे हो दिखाओ तो दो, अगर आप खा पी रहे हो ये सब चीजें तो प्लीज जंगल में ना डालें भाई, डस्टबिन होता है डस्टबिन में डालिए प्लीज प्लीज प्लीज, इतने तो जागरूक इंसान हो ही सकता है। ये गुजारिश है थोड़ा भारत को साफ करें। मोदी जी देखे की वीडियो से तुझे अवार्ड बदल देंगे। देखना कितनी कितनी बोतल हम उठा रहे हैं यहाँ से, मतलब हद है भाई हद। नाच गाना चलता हुआ नाच गाना। हाँ नितेश नहीं हटूंगा। गाइस हम लोग आ चुके हैं दोबारा से, हम लोग इन्हें खदेड़ कर ले आए हैं अंदर। अब हम थोड़ा घूमते हैं 1-2 किलोमीटर, देखते हैं कुछ मिलता है दिखाई देता है या नहीं। हम आए हैं अभी अफ्रीका के जंगलों में और दक्षिण की तरफ जा रहे हैं पानी की तलाश में, क्योंकि हम लोगों की अभी जो है बोतलें बिल्कुल खाली है। सच में ओए उधर क्या है, इधर चलो इधर एक ग्राउंड था। ओ बदतमीज हो। गाइस ये है हम इस पर चढ़कर देखेंगे थोड़ी सेंचुरी। कम स्नेहा कम। गाइस आ जाओ शिवम आ जा, बहुत प्यारा व्यू है। Guys, this is the view. बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा जैसा कि आपको पीछे दिख रहा हूँ। गाइस मजा आ गया, मजा आ गया, मजा अच्छा व्यू पॉइंट था ना, बहुत प्यारा व्यू पॉइंट था वो सच में। उस पर दिख रहा था काफी ज्यादा एरिया दिख रहा था सेंचुरी का। सिद्धार्थ शर्मा और ये क्या हम ही दोनों लाए, सही बात है। ओ मेरे कांटे घुस गए। तो गाइस हम घूम चुके हैं पंचोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर, बहुत ज्यादा यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम अंदर जो मेन सफारी एरिया है वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गाड़ी से जाया जाता है जो कि है कार्ड। और हमने अभी गार्ड लोग से पूछा था तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब जो गाड़ी है उसके लिए आपको सुबह 6 बजे आना होता है, क्योंकि तभी वो हो पाती है बुकिंग वगैरह और तभी आप अंदर जा सकते हो। और गाड़ी एक बार अंदर चली गई फिर वापसी आने में 2.5-3 घंटा लगता है, तो उसके बाद उसकी बैटरी पूरी ओवर हो जाती है और फिर वो उसके बाद भी 7-8 घंटे लगाती हैं पूरे चार्ज होने को। इसीलिए मतलब अंदर जा ही नहीं सकते, अगर तुम्हें जाना है तो सुबह सुबह आना पड़ेगा, जो कि हमारा बहुत मन था अंदर जाने का। हमारे साथ एक और ग्रुप था वो कह रहे थे कि गाइस एक साथ सारे एक साथ डिस्कस करते हैं, क्या पता ये लोग मान जाएँ। बट हमने पूछा भी, हमने काफ़ी बार इनसे डिस्कस करा, इनसे पूछा, पर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं उसी के लिए आपको सुबह को ही आना होगा, तो आज हम नहीं घूम पाए। ये लोग कह रहे हैं किसी और दिन आना, बट भाई इतनी दूर आए हैं तो कोई बात नहीं, 2 जगह तो घूम लिए, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी चले गए अंदर। अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। कैसा लगा तुम्हें? योर ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू दे दो। और घूमना, और घूमना था ना, इसके लिए आए थे वही नहीं किया ना। हाँ कैसा लगा तुझे, ऑनेस्ट रिव्यू दे। ऑनेस्टली तो बोलो भयंकर, वो जो शूटिंग ने इसमें चाहे हमने लीगली चढ़े, मजे आ गए उधर। तुम बताइए योर ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ असोला भाटी। बहुत डीप है पर घूम नहीं पाए। क्या डीप है गाइस, अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताओ असोला भाटी सेंचुरी का। वर्स्ट ट्रिप एवर।
सच में पूरा मूड इस पागल है, पूरा मूड इस पागल है, डाल देना इसको। हाँ डालेगा। हाँ तो हाँ यार देखो मिक्स्ड वो है रिव्यूज, किसी को ज़्यादा ही मज़े आए, किसी को मिक्स वो है, स्पॉइल हो गया। मेरा भी यही है कि मतलब हम अंदर जाने के लिए आए थे जो कि नहीं जा पाए, ओनली बिकॉज ऑफ कि हाँ बहुत नंबर ऑफ कार्ड जो हैं बहुत ज़्यादा कम है और चार जोन में वो 8-8, 10-10 घंटे लगा रही है तो हम अंदर नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, वी आर अबाउट टू लीव, वी आर एट द गेट ऑफ असोला भाटी सेंचुरी। यहाँ थोड़े फोटो वोटो कर लेते हैं। गाइस देखिए इस ऑटो में आए हैं हम। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें दोबारा यात्रा कराने के लिए, और गाने वाने पूरे डिस्को के साथ चलाते हुए आए हैं, बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, कौन सा वो स्टेशन, तुगलकाबाद स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। गाइस हम लोग आ गए हैं हौस खास पर, हौस खास पर जो बीच में फूड कोर्ट पड़ता है, वी आर प्लानिंग यहाँ पर कुछ खाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो है ना बहुत ही ज़्यादा भूख, तो हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएँ। तो गाइस हौस खास पर कुछ खाने के बाद हम सारे चले गए थे अपने घर। इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बाय बाय।